other than a cat. चल भाई साथ भाई सांसद महोदय इंटरव्यू लो जल्दी जी सर जी कैसे लगा आपको उसके बाद का ज्यादा मोटिवेशन है तो यार एक का फोटो ले लो का लोग का नाम लिखा चिपकाने के लिए सिम्स में दो बार लड़का भी दिया करा रहे क्या इनका इंटरव्यू जरूर लेना ये एक पैर कमजोर है कृत्रिम उसके बावजूद भी हर साल वो पेपर मिल में काम करता था उन्हें पेपर मिल में तो बंद हो गया रोल में घुस गया 2004 में वही तो भाटिया सर भी तो उस समय इनको खुद ट्रांसफ्यूजन हुआ था 23 ट्रांसफ्यूजन इसके लिए मोटिवेट हो गए 23 यूनिट सर लगा तब तक जिंदा है तो खाना वाना खा के नेता को बोला घर में ना आता हूँ क्या आज जी कैसा महसूस कर रहे हैं और ये क्यों आवश्यक है ब्लड डोनेट करना मैं जहाँ तक समझता हूँ सबसे महादान है क्योंकि इनसे जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है उनको पुनर्जीवन मिलता है और वो अपने पुनर्जीवन से नया जीवन जीता है इसलिए सबसे जो दान बताया गया उसमें महत्वपूर्ण दान रक्तदान है और आज इसी भावना को मैं बल देने के लिए और मजबूती प्रदान करने के लिए हमारी संस्था के द्वारा जो आज रक्तदान शिविर लगाया गया उसमें अपना रक्तदान किया हूँ मैं लोगों से अपील करूँगा निवेदन करूँगा कि ब्लड देने से कोई प्रकार की परेशानी नहीं होती ना ही किसी को कोई ऐसा विषय है इसलिए हर व्यक्ति को जो सक्षम है उनको ब्लड देना चाहिए ताकि ज़रूरतमंद व्यक्ति को समाज की जिस व्यक्ति को आवश्यकता हो उनको दान के रूप में मिल सके साथ में जब व्यक्ति पुनर्जीवन जीता है तो एक समाज के लिए और अन्य लोगों के लिए भी जीवन जीता है वो अभी एक सामने एक्सीडेंट में जिनका पैर कटा हुआ है वो व्यक्ति हर साल 12 साल से ब्लड दे करके समाज में एक उदाहरण पेश किया है मैं आज इस शिविर के माध्यम से सभी हमारे डॉक्टर से फिजिशियन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और नागरिकों से अपील करता हूँ निवेदन करता हूँ कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड दे करके ब्लड बैंक में अपनी रक्त को जमा कराएं। एम्बुलेंस भी प्रदान किए जा रहे हैं? नहीं मेरे मद से दो इको एम्बुलेंस की स्वीकृति जिला अस्पताल को दी गई है वो कुछ दिन में आ जाएगा ताकि लोगों को उसकी सुविधा मिल सके और उनको ज़रूरत के हिसाब से उसका उपयोग कर सके लोग उनकी सुविधा का लाभ उठा सके मैं इसीलिए डोनेट किया जे हमारा हमको जब एक्सीडेंट हुआ था हमको भी कोई दिया था तो अब जाके हम आज यहीं पर डोनेट करने का हिम्मत जुटा के आ पाया 3 साल से मैं डोनेट कर रहा हूँ लेकिन इसीलिए डोनेट कर रहा हूँ जे किसी के गरीब आदमी जिसका पास पैसा नहीं है ये नहीं है ज़िंदगी मौत में लड़ते हैं कम से कम उसको एक यूनिट खरीद करने के लिए पैसा नहीं रहता तो उसको एक यूनिट से अगर उसको ज़िंदगी बच जाए इससे सेवा और कुछ नहीं है रक्तदान है महादान मैं तो सबसे अपील करूँगा जे सक्षम जो आदमी है वो आके स्वेच्छाएँ रक्तदान करे सबके भलाई के लिए सबको खुशहाल जिंदगी बीते यही है बस विश्वनाथ मुखर्जी राजकिशन नगर बिलासपुर जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक में आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के तत्वाधान में एक विशाल रक्त शिविर का आयोजन किया गया है इसमें हमारे चिकित्सक और उनके परिवार के सदस्य भी और आम जनता से भी अपील किया गया था कि यहाँ आकर रक्तदान करें ताकि ज़रूरतमंदों को जब आवश्यकता पड़ती है तो ब्लड दिया जा सके और रक्तदान महादान है
इसी के परिप्रेक्ष्य में आज ये कार्यक्रम 9 बजे से प्रारंभ किया गया है और ये अनवरत 4 बजे तक चलते रहेगा। अब हमारे यहाँ कैपेसिटी तो बहुत है ब्लड रखने की, लेकिन हम लोग फिर भी 100 का अनुमानित है हमारी संख्या। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन 1 जुलाई डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में सामाजिक हित के लिए सामाजिक दायित्व का निर्वाह करते हुए आज ब्लड डोनेशन कार्यक्रम यहाँ रखा हुआ है। इसमें डॉक्टर्स के परिवार के लोग और डॉक्टर्स खुद और समाज के लोगों से भी ये आह्वान किया गया है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ब्लड डोनेट करें। ये देखा गया है कि आज भी हमारे देश में ब्लड से की कमी से मरने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर हम इस दिशा में कुछ कार्य कर सकें तो इससे अच्छा दान और कुछ भी नहीं हो सकता। इसी को लेते हुए ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन 28 जून से 1 जुलाई तक डॉक्टर्स डे मना रहा है और उसके तहत इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ किया गया है। आज सबसे पहले हमारे IMA के प्रेसिडेंट डॉक्टर देवेंद्र सिंह की पत्नी श्रीमती जसबीर कौर ने पहला ब्लड दान किया, उसके बाद डॉक्टर अखिलेश वर्मा ने दान किया, डॉक्टर जगबीर सिंह ने दान किया, डॉक्टर RR तिवारी सर ने दान किया। और सबसे गर्व की बात यह है कि आज हमारे बिलासपुर के सांसद महोदय माननीय श्री लखनलाल साहू जी ने खुद से होकर ब्लड दान किया, जो कि हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है और ये पूरे समाज के लिए गर्व का विषय है। अगर इस तरह की बातें होती रहीं तो ये बहुत अच्छी बात होगी पूरे समाज के लिए। थैंक यू। चार पांच छोटी भेज ना वो मीडिया वालों के लिए जल्दी जल्दी, वो जो विकलांग है उसका इंटरव्यू बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। बेचारा एक पैर से वो है, पेपर पढ़ के आए सतीश को बुलाया है ना, हो गए सर रोटी सतीश बुला लेगा तो अपन अपने भेजवा देंगे सर।